दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 23, 24, 25 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगरतला में। त्रिपुरा के अगरतला में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। इसमें बटन बन गया है त्रिपुरा की राज्य कौन है? विप्लव कुमार, विप्लव कुमार देव और राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने साल भर लंबे आपातकाल की घोषणा की? ए इराक ने, बी सूडान ने, या सी ईरान ने। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, सूडान ने साल भर लंबे आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या कर्नाड, मिताली राज या स्मृति मंधाना। इसका सही ऑप्शन है ए, दिव्या कर्नाड को फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खुशी योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी असम। इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा राज्य ने खुशी योजना को मंजूरी दी है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? उड़ीसा के सत्रह लाख स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी खुशी योजना में। इस योजना से सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 8 से 12 तक की लगभग 17.25 लाख स्कूली छात्राएं लाभान्वित होंगी। योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार 5 साल की अवधि में 466 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वंडर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, या सी चंडीगढ़ में। इसका सही आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को 1981 के बाद पहली बार कहाँ देखा गया? ए इंडोनेशियाई जंगल में, इसे इंडोनेशियाई जंगल में 1981 के बाद पहली बार देखा गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वेलेस की विशालकाय मधुमक्खी वॉलेस बी नाम है इसका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मधुमक्खी है, जिसे 1981 से विलुप्त माना गया था को एक इंडोनेशियाई जंगल में फिर से देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन। इसका सही आंसर है बी, भारत। चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट की मेज़बानी भारत करेगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया है? प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बना? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, या सी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है बी, बिहार। बिहार ने प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात किया है शराब तस्करी की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में तटरक्षक हाल ही में दो तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश या सी पंजाब। इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तमिलनाडु थुथुकुडी में दूसरा तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका पहला मुख्यालय चेन्नई में है। इसका उद्घाटन किसने किया? राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत सरकार ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड कहाँ लॉन्च किया है? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में या सी कोलकाता में। इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। देश भर में रेलवे में चल रहे कार्य के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसका यूज़ क्या है? देश भर में रेलवे में चल रहे कार्यों की जानकारी देने के लिए दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। रेल मंत्री किसने लॉन्च किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जिम्बाब्वे ने कौन सी नई मुद्रा में व्यापार करना शुरू किया है? आरटीजीएस डॉलर में व्यापार करना शुरू किया जिम्बाब्वे ने। इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट क्या है इसके? जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह केंद्रीय बैंक के एक मौद्रिक संकट के प्रयास और इससे हल करने के उपायों की घोषणा करने के बाद 2 दिन बाद किया गया है। नई मुद्रा डिजिटल डॉलर और बॉन्ड नोट्स नामक इलेक्ट्रॉनिक बैंक बचत का स्थान लेगी और इसका नाम वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के नाम पर रखा गया है, जो बैंक एक दूसरे के बीच धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग करते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगागवा हैं इसके राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और सिडबी द्वारा महिलाओं के लिए कौन सा बॉन्ड लॉन्च किया गया है? आजीविका बॉन्ड लॉन्च किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर क्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और स्माइल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ की शुरुआती कॉर्पस के साथ वुमेन लिवलीहुड नामक विशेष रूप से महिलाओं के लिए नए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लॉन्च किए हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवाओं और छोटी इकाइयों जैसे क्षेत्रों में व्यक्तिगत महिलाओं उद्यमियों को लगभग 13 से 14% या उससे कम ब्याज दर पर 50,000 रुपये से 3 लाख रुपये उधार लेने और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में सक्षम करेगा। विश्व बैंक के अंतरिम अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं और मुख्यालय इसका कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलम्बो नंगुका है, मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत पहली बार अबू धाबी में कौन से सम्मेलन में शामिल होगा? ओ आई सी में शामिल होगा, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल होगा पहली बार। बड़ा बन क्या है? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है कि गैर मुस्लिम देश के एक नेता को OIC सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। अबू धाबी यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 14। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल बनाने के लिए किस पर हस्ताक्षर किए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल बनाने के लिए किस पर हस्ताक्षर किए हैं? SPD-4 पर। SPD-4 है क्या ये? डोनाल्ड ट्रंप ने US स्पेस फोर्स
SPD4 के गठन के लिए SPD4 पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह श्री ट्रंप की चौथीवीं अंतरिक्ष नीति निर्देश है। प्रारंभिक में तीन थे, अब पहली में क्या है, मंगल पर कदम रखने के रूप में मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए नासा को निर्देश दिया गया है। SPD2 में क्या है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सुव्यवस्थित नियम बनाए गए हैं। SPD3 में अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन से निपटना। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ए थाईलैंड में, बी अमेरिका में, या सी रूस में। इसका सही आंसर है ए थाईलैंड में, थाईलैंड इसका सही आंसर है। बड़ा पॉइंट क्या है, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रकार की सबसे बड़ी गतिविधि वार्षिक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 29 राष्ट्र भागीदार या पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। दो देशों के अलावा अभ्यास में भाग लेने वाले 7 देशों में भारत, सिंगापुर है, जापान, चीन, इंडोनेशिया है, मलेशिया और दक्षिण कोरिया शामिल थे। भारतीय सेना ने 14 सदस्यीय दल के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। भारत ने चीन के साथ साथ 2016 में पहली बार ऑब्जर्वर प्लस श्रेणी में इस अभ्यास में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, 91 ऑस्कर 2019 कौन से थिएटर में दिए गए, डॉल्बी थिएटर में दिए गए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑस्कर विजेताओं की पूरी सूची अपलोड कर दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में HF 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, मनप्रीत सिंह को, ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान है। बड़ा पॉइंट क्या है, एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। महिला टीम की स्ट्राइकर लाल रैमसियामी ने राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, लाल रैमसियामी ने। क्वेश्चन नंबर 18, GST काउंसिल ने कौन सी संपत्ति पर GST दर घटाई है, अचल संपत्ति पर घटाई है। इसमें क्या है, गैर किफायती घरों के मामले में निर्माणाधीन फ्लैटों और क्षमा करिएगा ज़ूम ज़्यादा हो गया, गैर किफायती घरों के मामले में निर्माणाधीन फ्लैटों और मकानों के लिए GST दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% तक लाया गया है, यह वर्तमान में 12% है। किफायती घरों के मामले में GST की दर ITC के बिना 8% से घटाकर 1% तक कर दी गई है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऑस्कर अवार्ड की पूरी सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑस्कर की पूरी लिस्ट विजेताओं की। नमस्कार।